वेरी गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन इन योर होम्स. स्टूडेंट्स, फुल प्रिकॉशन लीजिए एंड हेल्दी रहिए, सेफ रहिए. हेल्दी एंड सेफ रहने के साथ और घर पे रहने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करती रहिए. पढ़ाई में किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए. स्टूडेंट्स, किसी भी क्लास को आप स्किप मत करिए, क्योंकि अगर आप कोई क्लास स्किप करते हैं तो आपको लेसन समझ में आने वाला बिल्कुल भी नहीं है. सो स्टूडेंट्स, सारी क्लासेस को आप सीक्वेंस वाइज से अटेंड करिए. अगर सीक्वेंस डिस्टर्ब होगा तो क्लास आपके समझ से बाहर हो जाएगी, आप क्लास को समझ नहीं पाएंगे. स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने हार्डवर्क किया था, देन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन किया था. मैंने बोर्ड पे आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवाए थे. जिन बच्चों ने नोट कर लिया है केयरफुली, नीट एंड क्लीन वे में, तो बहुत अच्छी बात है. बट जो लोग भी नहीं नोट कर पाए हैं, विजिबिलिटी लो रही हो या कोई भी रीज़न रहा हो, तो रिटन कंटेंट के लिए आप टेंशन मत लीजिए. रिटन कंटेंट का मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी, जिसमें आपको हार्डवर्ड से लेके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन सभी कुछ रिटन कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा. आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे फोकस करिए, समझने पे फोकस करिए. स्टूडेंट्स, टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 21. विच पेज? पेज नंबर 21. पेज नंबर 21 पे स्टूडेंट्स आप जो है क्वेश्चन बी ओपन करिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. तो पहले आ जाइए हेडल बी पे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में स्टूडेंट्स रीड करिए क्वेश्चन नंबर 1, नेम 2 ऑफ ईच. मैंने सिर्फ हिंट के लिए हाफ क्वेश्चन ही लिखा है. क्वेश्चन है नेम 2 ऑफ ईच. हर के आपको दो नेम लिखने हैं, मतलब हर एक के आपको दो नेम लिखने हैं. किसके किसके? रूट वेजिटेबल्स के, फ्रूट वेजिटेबल्स के एंड स्टेम वेजिटेबल्स के. स्टूडेंट्स, चैप्टर एक्सप्लेनेशन में आपने समझा ही होगा कि रूट वेजिटेबल्स कौन सी होती हैं, जो वेजिटेबल का अंडरग्राउंड पार्ट होता है. इट मीन्स कि कौन सी रूट वेजिटेबल हम लोग जो है कंज्यूम करते हैं, कौन सी? कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, ये सारे हैं ना रूट वेजिटेबल के एग्जाम्पल. वेरी गुड. फ्रूट वेजिटेबल्स कौन कौन सी हैं? ब्रिंजल है, टोमेटो है, पम्पकिन है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. ये तो जनरल एग्जाम्पल है जो मुझे याद आ रहा है. एंड स्टेम वेजिटेबल आपको पता है, पोटैटो, अनियन, गिंजर, टर्मरिक, गार्लिक, ये सब क्या है? ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेम के ही एग्जाम्पल हैं. तो ये इन सब के तो आपको एग्जाम्पल पता ही चल गया. देन सेकेंड क्वेश्चन पे आइए, ग्रुप द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म. सेकेंड क्वेश्चन रीड करिए स्टूडेंट्स, ग्रुप द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स. इन ऑर्गेनिजम्स को आपको ग्रुप्ड करना है या कैटेगराइज करना है. किस फॉर्म में? एज अ हर्बीवोर, एज अ कार्निवोर एंड एज अ ओमनीवोर. सो आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कैटेगराइज करिए. समझ में आ रहा है ना? हाँ. पहले आप थ्री कॉलम्स बनाइए. किस तरह से? इस तरह से आप थ्री कॉलम्स बना सकते हैं. इस तरह से यहाँ पे हर्बीवोर लिखिए, यहाँ पे कार्निवोर और यहाँ पे ओमनीवोर. इस तरह से थ्री कॉलम आप बनाइए. अब मैं आपको बताती हूँ कि जो गिवन एग्जाम्पल्स हैं उनमें हर्बीवोर में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं. ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है. हर्बीवोर्स में हैं काउ, एलिफेंट, जिराफ, मंकी एंड रैट. आपने पिक आउट कर लिया? वेरी गुड. काउ, एलिफेंट, जिराफ, मंकी एंड रैट, ये जो हैं हर्बीवोर के एग्जाम्पल हैं. देन कार्निवोर्स में कौन कौन से आते हैं देख लीजिए, जैकाल, फॉक्स, टाइगर, स्पाइडर. रिपीट कर देती हूँ मैं, जैकॉल, फॉक्स, टाइगर, स्पाइडर, ये कार्निवोर्स के एग्जाम्पल हैं. ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? जनरली आपको पता ही होगा कि ओमनीवोर्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं. ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम देयर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल फूड. जो प्लांट और एनिमल फूड दोनों को ही लेते हैं वही ओमनीवोर होते हैं. तो गिवन एग्जाम्पल में कौन कौन से ओमनीवोर हैं? कैट, क्रो एंड बियर. ओके, ये क्वेश्चन भी हो गया. थर्ड आ जाइए, थर्ड क्वेश्चन पे. शॉर्ट का थर्ड रीड करिए, व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इंग्रेडिएंट्स आर मटेरियल नीडेड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम. इंग्रेडिएंट्स क्या है? किसी भी फूड आइटम को प्रिपेयर करने में जो मटेरियल यूज होता है वो हर एक मटेरियल इंग्रेडिएंट कहलाता है. जैसे कि आप मान लीजिए टी कुक कर रहे हो, टी प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें आपको क्या चाहिए होता है? टी लीव्स, शुगर, वाटर, मिल्क,
गिंजर, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये टी की इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए? इंग्रेडिएंट्स आर मटेरियल नीडेड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम्स। ओके, ये समझ में आ गया आपको। देन आ जाइए फोर्थ वन पे। व्हाई इज मैन कॉल्ड एन ओमनीवोर? मैन को ओमनीवोर क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है, मैन को ओमनीवोर क्यों कहा जाता है, अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। बिकॉज मैन ईट बोथ प्लांट प्रोडक्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट, इसीलिए हम लोग मैन को क्या बोलते हैं? ओमनीवोर बोलते हैं। देन आ जाइए हेडल नंबर सी आपकी बुक में। हेडल नंबर सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, और रिटन कंटेंट के लिए आप टेंशन मत लीजिए, उसके लिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर ही दूंगी आपको। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, व्हाई डू वी नीड फूड? स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन केवल आपके हिंट के लिए लिखे हुए हैं, मैंने कम्प्लीटली क्वेश्चंस को नहीं लिखा है, हाफ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। व्हाई डू वी नीड फूड? गिव टू रीजंस। हमें फूड की नीड क्यों होती है, ये आपको टू रीजंस बताने हैं। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, वी नीड फूड टू गेट एनर्जी एंड टू प्रोटेक्ट आर सेल्फ फ्रॉम डिजीजेज। हमें फूड की नीड क्यों होती है? बिकॉज हम कोई भी अपनी एक्टिविटी करेंगे, कोई भी वर्क करेंगे, तो उसमें हमें एनर्जी की नीड होगी, और वो एनर्जी हमें कहाँ से फुलफिल होगी, कहाँ से मिलेगी? तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें फूड से मिलेगी। तो ये भी एक बेनिफिट हो गया फूड का, ये भी एक रीज़न है जिसके कारण हमें फूड की नीड होती है। और फूड हमें क्या करते हैं? डिजीजेस से सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड पॉइंट, फूड इज़ एसेंशियल फॉर आर बॉडी टू मेंटेन अ हेल्दी हार्ट, एक्टिव ब्रेन, ऑप्टिमली वर्किंग मसल्स एंड अदर ऑर्गन्स। फूड जो है हमारे सारे ऑर्गन्स के हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल है, जो हमारे माइंड को हेल्दी बनाता है, मसल्स की फंक्शनिंग को अच्छा करता है, और हार्ट की हेल्थ को भी ठीक रखता है, और ब्रेन को एक्टिव रखता है। तो ये हो गई फूड की नीड के बारे में। देन सेकंड क्वेश्चन है, नेम फोर फूड आइटम्स। सेकंड क्वेश्चन रीड करिए अपनी बुक से, नेम फोर फूड आइटम्स। फोर फूड आइटम्स के नेम बताइए, और साथ ही साथ आपको ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑल्सो मैंशन द एडिबल पार्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट के एडिबल पार्ट को आपको मैंशन करना है कि उसका एडिबल पार्ट कौन सा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं एडिबल पार्ट कौन सा होता है। अगर फर्स्ट एग्जांपल आप मस्टर्ड का ले लेते हैं, तो मस्टर्ड में एडिबल पार्ट कौन कौन सा है स्टूडेंट्स? सीड्स हैं, सीड्स हैं जिससे हम लोग ऑयल प्रिपेयर करते हैं, एंड लीव्स जिसको हम लोग वेजिटेबल के फॉर्म में या शाक के फॉर्म में यूज़ करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम पोटैटो ले लें, तो पोटैटो में हम स्टेम यूज़ करते हैं। थर्ड अगर कैरेट ले लें, तो उसमें हम लोग रूट यूज़ करते हैं। अगर फोर्थ टोमेटो ले लें, तो उसका हम लोग फ्रूट यूज़ करते हैं। तो ये चार फूड आइटम्स हो गए, और इनके एडिबल पार्ट्स भी हो गए। समझ में आ गया आपको? देन आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉन्ग का थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि हर्बीवोर क्या है। हर्बीवोर्स आर प्लांट ईटर्स, जो प्लांट को ईट करते हैं वही हर्बीवोर्स हैं। तो हर्बीवोर कौन कौन से हो गए? काउ, गोट, बफेलो, डियर, ये सारी चीज़ें हो गई। कार्निवोर जनरली फ्लैश ईटर और मीट ईटर आर कॉल्ड या नोन एज कार्निवोर। तो क्या हो गए? वुल्फ, टाइगर, लॉयन, ओमनीवोर। एनिमल्स जो प्लांट्स एंड फ्लैश दोनों से ईट करते हैं, दोनों को कंज्यूम करते हैं, वो ओमनीवोर हैं। एग्जांपल है ह्यूमन, क्रो, कैट, ये सारी चीज़ें हो गई। देन फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए, फोर्थ क्वेश्चन पे आइए। मेंशन थ्री फंक्शंस ऑफ फूड। फूड के थ्री फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, बताइए। मैंने आपको बार बार चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, आइए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फूड हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फूड जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। देन क्या करता है? हेल्प इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी में कोई भी सेल इंजर्ड हो जाती है, या हमें कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो उसकी रिकवरी कैसे होती है? ये फूड न्यूट्रिएंट ही तो ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो वुंड हीलिंग होती है, जितने भी प्रोटीन कंटेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वुंड हीलिंग में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से इंजरी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी हो जाती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी फूड का फंक्शन है। देन प्रोविज़न ऑफ एनर्जी, एनर्जी की भी प्रोविज़न, एनर्जी की भी व्यवस्था हो जाती है
फूड से हमें एनर्जी की भी फुलफिलमेंट हो जाता है. Why there is a need of equal distribution of food? Next, fifth long question है, why there is a need of equal distribution of food? अब आपको पता होगा कि food के equal distribution की क्या need है. तो हमारे world में कुछ part ऐसे हैं, कुछ places ऐसे हैं जहाँ पे food की इतनी access है कि लोग over eating, over feeding की वजह से जो है कुछ problems को face कर रहे हैं, like obesity and heart diseases, ये सारी चीज़ें जो है वो फेस कर रहे हैं. वहीं दूसरे पार्ट्स में क्या है कि डेफिशिएंसी ऑफ फूड या लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इतना ज़्यादा है कि वो माल न्यूट्रिएंट है, माल न्यूट्रिशन है, वहाँ पे लोग कुपोषित हैं और न्यूट्रिएंट की फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही है. सो वो बहुत सारी डिजीज़ेस से सफ़र कर रहे हैं और उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी ऑप्टिमम नहीं हो रही है, जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है. तो इसीलिए क्या है, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड नीडेड है, इसकी ज़रूरत है. ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे लगता है ये शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया है और रिटन कंटेंट मैं आपको PDF में दूंगी और जो भी आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, वो आप मैसेज या कॉल के थ्रू पूछिए एंड आपको आंसर मिलेगा. बट आपको ये सजेशन है कि आप कोई भी क्लास स्किप नहीं करेंगे, मिस नहीं करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.